गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। आप जानते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली बड़ी आंत की बीमारी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियों में से है। ये बहुत कॉमन बीमारी है और कॉमन होने के अलावा ये अपने नेचर के हिसाब से आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। परेशान करने से मेरा मतलब ये आएगी जाएगी, जैसा दमा की बीमारी बार बार आती है जाती है और पलटती है, ऐसे ही अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो नेचर है या इसकी जो एक विधा है वो ऐसी है कि ये बार बार आती है जाती है पलटती है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है। अल्सरेटिव कोलाइटिस बेसिकली बड़ी आंत की बीमारी है। जो बड़ी आंत है उसकी तीन लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं हम सिरोजा, उसके अंदर एक मसल लेयर होती है उसे कहते हैं मस्कुलरिस, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा। ये बेसिकली म्यूकोजा की बीमारी है और जो म्यूकोजा होती है उसमें बहुत सारे छाले घाव उतर जाते हैं इस बीमारी में, और जो छाले घाव उतर जाते हैं उसके चलते आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बड़ी आंत की जो अंदर की लाइनिंग है उसमें छाले और घाव हो जाना अल्सरेटिव कोलाइटिस का नेचर है। ये समझने की जरूरत है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ बड़ी आंत की बीमारी है। ये छोटी आंत, खाने की थैली, ड्यूडनम, खाने की नली और कहीं नहीं होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ बड़ी आंत में होगी और म्यूकोजा में होगी। नॉर्मली ये बीमारी बिल्कुल लैट्रिन के रास्ते से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाती है। ये बड़ी आंत के कुछ हिस्से में हो सकती है या पूरी की पूरी बड़ी आंत को इन्वॉल्व कर सकती है। नाउ बड़ी आंत में अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपको क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी आंत के अलावा और किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं होती है। जो आपके अंदरूनी सतह है उसमें छोटे छोटे छाले उतर जाएंगे। छाले क्या? घाव उतर जाएंगे। ये जो घाव हैं बड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, ये काफी लंबे एरिया को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, ये इतने गहरे भी हो सकते हैं कि सही बात यह है कि इन घाव के थ्रू कभी कभी आपको मांसपेशियां या मस्कुलरिस दिखाई देना शुरू हो जाती है। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है और ये घाव उतर जाते हैं तो आपको तमाम दिक्कतें होती हैं। उनमें से तीन जो मुख्य दिक्कतें होंगी वो है आपके पेट में दर्द, जो दर्द आएगा वो लगातार या रुक रुक के मरोड़ जैसा आएगा। नंबर दो, आपकी जो लैट्रिन है उसमें खून आना चालू हो जाएगा, जो खून है वो लैट्रिन में मिक्स होके आएगा। नंबर तीन, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खून नहीं आता, सिर्फ डायरिया ही होता चला जाता है या लूज मोशन होते चले जाते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली हमारे खाने की हमारी जो बड़ी आंत है उसमें छाले या घाव उतर जाते हैं। अगर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस पर ध्यान नहीं दिया तो अगर लंबे समय तक अल्सरेटिव कोलाइटिस चलती चली जाए और आप मेडिकल अटेंशन उसको ना दें, आपको बार बार लूज मोशन होते चले जाएं, आपको बार बार खून आता चला जाए, आप प्रॉपर खाना नहीं खाएं, तो समय के साथ देखेंगे कि आपका वजन कम होता चला जाएगा। विज्ञान ऐसा मानती है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स जो लक्षण शुरू होने से लेकर डॉक्टर के यहाँ तक जब तक पहुँचते हैं, ऑन एन एवरेज उनका 10 किलो वजन कम हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी डायरिया आपको अगर हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा चलता है, आपको लैट्रिन में ब्लड आता है जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा चल रहा है, जो सामान्य एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आपके एंटीना खड़े हो जाना चाहिए। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है, पर्टिकुलरली ये अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है कहीं। अगर ऐसा नहीं आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे समय के साथ आपका वजन कम होता चला जाएगा। अकेला वजन कम नहीं होगा, और भी बहुत सारे जो सिम्टम्स इसमें आना चालू हो जाते हैं। कभी कभी आपको बेसिकली बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, कभी हल्का फुल्का फीवर महसूस हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द महसूस हो सकता है, कभी कभी आपकी जो स्किन है या चमड़ी है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं, कुछ अलग किस्म के फोड़े डेवलप हो सकते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आपको लूज मोशन है, लंबे समय से थकान है, आपकी स्किन में कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, या आपको लो ग्रेड फीवर रहता है या ज्वाइंट पेन है, तो भी आपको सतर्क होने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपको बड़ी आंत में अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी तो नहीं बन रही है।
एक और बीमारी है जो कभी कभी अल्सरेटिव कोलाइटिस से कंफ्यूज होती है। कभी आपने डॉक्टर सुना होगा कि नहीं, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं है, आपको तो क्रॉन्स नाम की बीमारी है। इसका मतलब यह है कि क्रॉन्स इस तरह की बीमारी है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस से कंफ्यूज होती है। नाउ डिफरेंस जो सबसे बढ़िया है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिर्फ अंदर की सतह या म्यूकोजा में होती है, मस्कुलर तक कभी नहीं जाती है। जो क्रॉन्स है वो बेसिकली म्यूकोजा में भी होगी, आपकी मस्कुलर म्यूकोजा में भी होगी, पूरी की पूरी आंत की जो सतह से लेकर गहराई तक चली जा सकती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिर्फ बड़ी आंत की बीमारी है, ये छोटी आंत, खाने की थैली, खाने की नली या मुंह, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि क्रॉन्स कुछ उस तरह की बीमारी है जो आपके मुंह से लगाकर खाने की नली, खाने की थैली, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी को इन्वॉल्व कर सकती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो बार बार लूज मोशन कर रही है, ब्लड लेके भी आ रही है और जिसमें लक्षण आपको छोटी आंत, खाने की थैली, मुंह में भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्रॉन्स जो है वो एक ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स हमेशा दो बीमारियां हैं जो एक क्वेश्चन में आती हैं कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या क्रॉन्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें कि दोनों के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो क्रॉन्स में ज्यादा हैं, तो इसलिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये होती किसे है। फॉर्चुनेटली अगर हम इंडिया को देखें या डेवलपिंग कंट्रीज को देखें, समहाउ विज्ञान ऐसा मानती है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में कम है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है, अमेरिका में ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है, इजराइल जैसे कंट्रीज में ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका 1,00,000 में से 150 लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी। ऐसे ही यूरोप में इंसिडेंस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का है वो काफी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि ज्यूइश डिसेंट के लोग या ज्यूज जो है, ज्यूज में समहाउ अल्सरेटिव कोलाइटिस काफी ज्यादा है, बट इन डेवलपमेंट कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये जो पूरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें समहाउ इंसिडेंस जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का है वो अपेक्षाकृत कम है। ये है कि ये जो बीमारी है ये बेसिकली सामने आ जाती है 15 से 25 साल की उम्र के बीच में, बट ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। आजकल हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बच्चों में देखते हैं, कभी पहला अटैक अल्सरेटिव कोलाइटिस का 60 साल की उम्र में भी आता है, बट मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स हैं वो 15 से 25 साल के बीच में हमारे सामने आ जाते हैं। ये प्रश्न बार बार उठता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्यों होती है, क्या यह कोई इंफेक्शन है, नहीं, क्या यह कोई कैंसर जैसी चीज है, नहीं, ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये एक्चुअली हमारी जो शरीर है उसका जो इम्यून मैकेनिज्म है या जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है, इसकी कुछ गड़बड़ियों के चलते होती है। कुछ ऐसा हो जाता है कि जो इंटेस्टिन की सतह है उसको एक्चुअली उसकी जो सेल्स हैं उसे हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो उसको अटैक करके उसको डैमेज कर देता है। तो ये बेसिकली इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, इसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जहां तक विज्ञान का सवाल है, विज्ञान को अभी तक वास्तव में इसका प्रॉपर कारण पता नहीं लगा है। बहुत सारी थ्योरीज आई, उन थ्योरीज में से इन्फेक्शन थे, उन थ्योरीज में दूध था, उन थ्योरीज में ये भी था कि कहीं कुछ और कीड़े या पैरासाइट तो नहीं है जिसके चलते होती है। इवन एक जमाना ऐसा था जब यूएस इन यूरोप में ये माना जाता था कि बेसिकली जो हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट से बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। लेकिन अब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है उसकी कार्य प्रणाली में गड़बड़ी है, जिसके चलते हमारा प्रतिरोधक तंत्र हमारी ही इंटेस्टिन के अंदर की लाइनों को अटैक करके डैमेज कर देता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस को स्वरूप ले लेता है। तो बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नाउ एक बार अगर आप हमारे पास आते हैं एंड आपको बार बार डायरिया हो रहा है, आपको बार बार जो ना ब्लड आ रहा है, आपको लैट्रिन की संख्या बढ़ी हुई है, आपको दिन में भी जाना पड़ता है, कभी आपको आधी रात में भी लैट्रिन जाना पड़ता है, और हम ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है, तो हम सबसे पहले जो करते हैं वो करते हैं आपकी बड़ी आंत की जाँच। जो बड़ी आंत की जांच हम करते हैं वो बेसिकली दूरबीन विधि से करते हैं, जिसमें कैमरे से हम देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। ये जो कैमरे से हम देखते हैं इसके तीन नाम हैं, या तो हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं बिल्कुल नीचे के पोर्शन को देखने के लिए, या थोड़ा सा अंदर देखने के लिए हम लिमिटेड कोलोनोस्कोपी करते हैं, या हम पूरी अगर बड़ी आंत को देखना चाहते हैं
तो फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी करते हैं। दैट मींस कि हम आपकी सिग्माइडोस्कोपी या लिमिटेड कोलोनोस्कोपी या फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी प्लान करते हैं। और एक बार हमने कोलोनोस्कोपी की और हम उसमें देखते हैं कि आपको इस तरह के कोई घाव जखम छाले जैसे तो नहीं है, तो हम बेसिकली इसकी बायोप्सी निकालते हैं या इसमें से छोटे छोटे से टुकड़े निकालते हैं, उन टुकड़े जांच के लिए भेजते हैं इस चीज को देखने के लिए कि इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी तो नहीं है, उसको कंफर्म करने के लिए। एक बार कंफर्म हो जाए तो हम उसके ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये कैसा व्यवहार करती है। जैसे आज आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई, आप मुझसे पूछें कि आप मुझे बताइए कि ये बीमारी कैसा व्यवहार करेगी, ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ बीमारी कुछ उस तरह की है जैसे दमा होता है। इसका मतलब यह है कि यह बार बार दब जाएगी फिर उभरेगी, दब जाएगी फिर उभरेगी, दब जाएगी अपने आप ही दब सकती है या दवाइयों से दब जाएगी और बार बार उभरेगी। इसका मतलब यह है कि इस बीमारी का नेचर जो है वो मल्टीपल रिकरेंसेस रेमिशंस रिकरेंसेस रेमिशंस इस तरह का है। ऐसा देखा गया है कि जब मौसम बदलता है, जो जिसमें कि बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होती है या कोई भी दूसरे फैक्टर जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा होती है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पलटने की जो एक संभावना है वो हमेशा ज़्यादा होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर हम नेचर देखें तो ऑलमोस्ट इसका नेचर दमा जैसा है, अपने आप जो है ना पलटती है, ख़त्म होती है, अपने आप जो है ना दब जाती है या दवाइयों से भी जो है ना इस तरह का व्यवहार ही कर सकती है। नाउ अगर लंबे समय अल्सरेटिव कोलाइटिस चलती रहे आपको तो क्या होगा। अगर बहुत लंबे समय तक अल्सरेटिव कोलाइटिस चलती है तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि कहीं आपको बड़ी आंख का कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस कितने लंबे समय से है, नंबर एक। इस पर निर्भर करता है कि ये आंख के कितने हिस्से में है, नंबर दो। नंबर तीन, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर है, हल्का फुल्का सा छाले हैं या बहुत गहरी है या सीवियरिटी है। तो डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ड्यूरेशन कि कितने सालों से है, 10 साल से है, 15 साल से है, और एंटी एक्सटेंट के छोटे एरिया में के बड़े जो रिस्क है वो कोलन कैंसर की बढ़ जाती है। बट ये बात सही है कि सामान्य पॉपुलेशन की तुलना में अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो कोलन कैंसर है उसके होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको लंबे समय तक अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो और भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो बीमारी के चलते भी हो सकती हैं या बीमारी के लिए आप जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं उसके चलते भी हो सकती है। उसमें बोन में ऑस्टियोपोरोसिस या बोन में कैल्शियम की कमी हो जाना जो इस बीमारी के कारण भी होती है, ये बेसिकली जो हम यूज करते हैं स्टेरॉइड जैसे मेडिसिन उनके चलते भी होती है। बोन पेन्स, ज्वाइंट पेन्स, किडनी स्टोन्स एंड सम आई प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली यूवेआईटिस जैसी चीज भी अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी के साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम है। अगर लंबे समय अल्सरेटिव कोलाइटिस चले तो ऐसा माना जाता है कि देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो लीवर से जुड़ी हुई हैं वो भी सामने आ सकती हैं। नाउ अगर बायोप्सी में ये प्रूव हो जाता है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वास्तव में मेडिसिन से हम क्या आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं या आपके हमारे पास में क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो वास्तव में हम आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नंबर वन, जो एक नंबर या बेस मेडिसिन है दैट इज 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड। ये बहुत सारे नामों से दवाई आती है, मेसाकाल है ना, टिडाकाल, एसाकाल, पेंटासा है ना, कुछ सिंगल डोज भी आने लगी हैं जैसे वेगास है ना, मोजार्ट, बहुत सारे नाम से ये दवाइयां आती हैं। बट दिस इज बेसिकली सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलेट, दिस इज 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड। ये जो दवाई है ये हम इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली इस बीमारी को दबाती है, इसको ठीक करती है, प्लस ये बीमारी को पलटने से रोकती है। तो 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड जैसी जो दवाइयां हैं वो इस बीमारी की बेस दवाई है जो आपको लाइफ लॉन्ग या कभी कभी काफी लंबे समय तक लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको अगर ये दवा शुरू हो जाती है तो आपको मानने की जरूरत है कि आपको लंबे समय तक खाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी जो दवाइयां हैं जो इस्तेमाल हम करते हैं, दे आर स्टेरॉइड्स, जैसे वाइसुलोन, प्रेडनिसोलोन, ओमनाकाटेल, ये स्टेरॉइड जैसी जो दवाइयां हैं जो आपको घाव हो जाते हैं या ब्लीडिंग होने लगती है तो घाव को सूखने में स्टेरॉइड ही सबसे ज्यादा मदद करते हैं। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट होते हैं बट समय के साथ हम स्टेरॉइड को धीरे धीरे कम करते चले जाते हैं एंड हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी स्टेरॉइड अलग हो जाए। बट अल्टीमेटली जो 5-अमाइनोसैलिसिलिक एसिड है या 5-ASA है या मेसाकाल, पेंटासा, इस तरह की जो दवाइयां हैं उन्हें आपको लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। कभी ऐसा भी हो जाता है
कि स्टेरॉयड हम यूज करते हैं या वाइसोलोन प्रेडनिसोलोन जैसी दवाइयां यूज करते हैं, उन दवाइयों के बावजूद भी जो बीमारी है वो कंट्रोल में नहीं आती, या उन्हें हम कम करते हैं तो फिर से बीमारी पलटने लगती है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें कुछ और दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे इम्यूनो मॉड्युलेटर कहते हैं, जैसे एजाथायोप्रीन, 6-मरकेप्टोप्यूरिन, साइक्लोस्पोरिन, भले ये कुछ तरह की दवाइयां हैं जो इम्यूनो मॉड्युलेटर कैटेगरी में आती हैं, इन्हें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कुछ उस तरह की दवाइयां हैं जो कैंसर जैसे मरीजों को भी इस्तेमाल की जाती हैं, तो इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर आपको ये दवाई चालू की गई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर जैसी कोई बीमारी है। इन दवाइयों का हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल करने में भी इस्तेमाल करते हैं।